2002 में गोधरा कांड पर बनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को देखने पहुंचे सांसद, भाजपा जिलाध्यक्ष एवं कार्यकर्ता नेता बड़ी संख्या में। मंदसौर बीजेपी जिलाध्यक्ष नाना लाल अटोलिया, सांसद सुधीर गुप्ता सहित भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता आज टेक्स्ट फ्री फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखने पहुंचे। फिल्म देखकर बाहर आए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि गुजरात के गोधरा की घटना पर आधारित फिल्म उस घटना की सच्चाई उजागर करती है, इसे सभी को देखना चाहिए। सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि किसी घटना की सच्चाई को लेकर जो जो रिपोर्ट जारी होती है वे कहीं ना कहीं बंद हो जाती है। जब कश्मीर फाइल देखकर लोगों को अंदाज हुआ कि कश्मीर में कैसे अत्याचार हुआ, इसके बाद आई केरला स्टोरी देखने से लोगों में दृढ़ता आई कि आखिरकार देश में चल क्या रहा है। सांसद ने कहा कि गोधरा में भी जो देश को बदनाम किया, द साबरमती रिपोर्ट गोधरा कांड की सच्चाई खोलती है, यह परत दर परत पन्ने खोलती है। लोगों को यह फिल्म देखनी चाहिए ताकि समझ में आए कि गोधरा कांड में देश को किस तरह बदनाम किया गया। वहीं जिलाध्यक्ष नाना लाल अटोलिया ने कहा कि अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों को गोधरा में ट्रेन की बोगी में आग लगाकर जिंदा जलाया गया था। यह फिल्म उसी सत्य घटना पर आधारित है। दिखाना चाह रहे हैं आप लोग क्या? आज भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष और माननीय सांसद सुधीर गुप्ता जी के द्वारा पूरे मंदसौर जिले को द साबरमती रिपोर्ट पिक्चर दिखाई जा रही है और पूरे जिले से मात्र शक्ति अधिक से अधिक संख्या में इस पिक्चर को देखने के लिए आई है, जो कि जो 2002 में जो उत्तराखंड हुआ था उसको लेकर के ये पिक्चर है। इससे बहनों को देखना मिलेगा कि उस उत्तराखंड में क्या हुआ था। नहीं देखिए, एक बात है कि सच्चाई को लेकर लगातार लगातार जो रिपोर्टें जारी होती है वो कहीं ना कहीं बस्तों में बंद हो जाती है, और इसलिए हम देखते हैं कि जब कश्मीर फाइल देखकर लोगों के मन के अंदर एक भाव आया था कि आखिरकार कश्मीर में कैसे अत्याचार हुआ, और जैसे ही केरला स्टोरी आई तो लोगों को ये दृढ़ता प्रदान हुई कि आखिरकार देश में चल क्या रहा है। आफ्टर डिवाइडेशन हमने सोचा था कि एक सामंजस्यता का माहौल बना रहे, कांग्रेस अच्छे से देश को चलाएगी, मगर कांग्रेस ने षड्यंत्रकारी तत्वों का हमेशा साथ दिया और कहीं ना कहीं उल्टे नैरेटिव फिक्स करने का कोशिश किया। गोधरा में भी जो असच्चाई बताई गई है बार 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 कहकर और पूरी पृथ्वी पर भारत को बदनाम करने का काम किया, साबरमती रिपोर्ट उसके परत दर परत पन्ने दर पन्ने खोलती है और उसी पर आधारित ये फिल्म है, जिसे हम सब लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि इसको देखकर और सच्चाई जानने की कोशिश करें। दिखाई जा रही है उसमें क्या दर्शाया गया है और क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या देखिए, साबरमती रिपोर्ट के नाम से जो फिल्म बनी है, 2002 में जो गोधरा कांड हुआ था इसमें एक ट्रेन की बोगी को पूरा जला दिया गया था, जिसमें 59 कार सेवकों को जिंदा जलाया गया था। उस कृत्य को लेकर कहीं ना कहीं देश की जनता के सामने उसके बाद जो दंगे भड़के वो प्रस्तुत किए जा रहे हैं, लेकिन जो कारण रहा कि ये इतना बड़ा बवाल मचा क्यों, ये क्या कारण रहा, तो कारण ये था कि अयोध्या से कार सेवक ट्रेन में बैठते हुए आ रहे थे, उनको गोधरा में सारे एक षड्यंत्रपूर्वक ट्रेन में आग लगाई गई और उनको जिंदा जला दिया गया। उसमें कई महिलाएं थी, कार सेवक भी थे। तो इस प्रकार की जो घटना घटी उसको लेकर सत्यता पर आधारित ये फिल्म बनाई गई है, तो देश की जनता के सामने वो पक्ष भी आना चाहिए कि इतना बड़ा दंगा भड़का, उसके पीछे रीज़न कारण क्या था, मेन कारण जो था उसके पीछे उसको लेकर ये सत्यता के ऊपर जो फिल्म बनाई गई है उसको लेकर आज सभी हमारी बहनों के साथ में, सभी हमारे वरिष्ठों के साथ में, साथियों के साथ में इस फिल्म को यहाँ देखेंगे, ताकि सत्यता समाज के बीच और जनता के बीच जाए और उससे देश की जनता जो एक पक्ष छुपाया गया है या छुपा हुआ है उसकी सत्यता भी जनता के बीच जाना चाहिए। उस उद्देश्य को लेकर आज ये फिल्म देखेंगे। क्या संदेश देना चाहिए आम जनता? आम जनता को ये संदेश देना चाहेंगे कि जब भी कोई बड़ा देश में अगर कोई बड़ा दंगा भड़के या बड़ा कोई लड़ाई झगड़े होते हैं तो उसके पीछे कारण क्या रहते हैं, जो कारण रहते हैं उस पर भी हमको जाने की आवश्यकता है, ताकि वो दंगा भड़के ही नहीं। अगर उस कारण को ही हम समाप्त कर देंगे और जनता अगर उसको जान जाएगी कि इस प्रकार के षड्यंत्रपूर्वक दंगे भड़काने के काम भी किए जाते हैं, देश में माहौल बिगाड़ने के काम भी किए जाते हैं, देश में लड़ाने के काम भी किए जाते हैं, इस प्रकार अगर जनता के सामने ये पक्ष भी जाएगा तो जनता निश्चित रूप से ऐसे वारदातों से सावधान रहेगी और ऐसे षड्यंत्रकारी जो हैं देश में उनसे भी सावधान रहेगी कि ये लोग आपस में लड़ाने का काम करते हैं, देश की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, देश में दंगे करवाने का काम करते हैं। ये जनता के सामने पक्ष जाना चाहिए, इस उद्देश्य को लेकर आज ये फिल्म दिखाई जाती है।